ये है अन्नपूर्णा भोजनालय रोहिणी दिल्ली, भगवत कथा बागेश्वर धाम सरकार द्वारा परिनामित की गई थी। ये बात आप सभी जानते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार का जहाँ भी प्रोग्राम लगेगा, अगर कोई भगवत कराए चाहे राम कथा कराए, उस बंदे को ये रिस्क उठानी ही पड़ेगी कि उसे अन्नपूर्णा भोजनालय सभी मानव सेवा के लिए लगाना पड़ेगा। यदि कोई ऐसा करता है तो ही वह भगवत करवा सकता है, नहीं तो ये सरकार लेते ही नहीं है प्रोग्राम। अगर किसी में इतना हिम्मत हो सेवा करने की तो ही इनका प्रोग्राम लिया जाता है, नहीं तो नहीं लिया जाता। ये दिल्ली का जापानी पार्क है, रोहिणी दिल्ली, भगवत कथा 2022 हुई है ये, और जापानी पार्क में जन्माष्टमी के टाइम हुई है ये। तो ये काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी थी, यहाँ से कम पाँच पाँच लोग खाना खाकर जा रहे थे, सुबह 5 लाख शाम को 5 लाख। तो जिसने भगवत गीता कराई उसको भी धन्यवाद कि इतना पैसा उसने लगाया है मानव सेवा में। और बागेश्वर धाम सरकार का भी प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा, 10 लाख लोग पर डे यहाँ पर भगवत गीता सुन रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे, और बड़ा मेला लगा था। आप आते तो यहाँ पर काफ़ी आनंद का महोत्सव लेते, और 2 दिन के दरबार भी लगा था। ये अन्नपूर्णा भोजनालय है, वही साधारण भोजन जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, दाल चावल और रोटी, दाल चावल सब्जी, कभी रोटी सब्जी अनंग, उतना ही लो थाली में जो व्यर्थ ना जाए नाली में, ये टैग लगा हुआ है यहाँ पे। पानी की पूरी व्यवस्था थी, बारिश आ जाए तो भी इसके अंदर बारिश नहीं आती, अन्नपूर्णा भोजनशाला। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था, हमने 7 दिन का आनंद लिया यहाँ पर। आप भी अगली बार दिल्ली कोई प्रोग्राम हो तो ज़रूर आएँ। जापानी पार्क रोहिणी दिल्ली सेक्टर 10, काफ़ी बड़ा पार्क है, यहाँ पर पार्क का भी आनंद आप ले सकते हैं।